देश में फेसबुक कंट्रोल को लेकर जारी है विवाद। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर फिर साधा निशाना। सुरजेवाला ने शेयर किया कार्टून। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हंगामा। सराफ के बयानों के बाद भड़के कांग्रेसी। कोरोना पर हुई थी चर्चा। केंद्र के आदेशों के खिलाफ मंडी व्यापारियों का गुस्सा। प्रदेश की 247 मंडियों में नहीं हुआ कामकाज। कई राज्यों में बंद रखी गई मंडियां। देश भर में कल मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। मंदिरों में नहीं लग सकेगा श्रद्धालुओं का तांता। बड़े आयोजनों का किया जाएगा लाइव प्रसारण। राजस्थान के कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग का ऐलान, 3 दिन रह सकते हैं भारी। नमस्कार। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही सुर्खियों में। राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र की दूसरी बैठक में शुक्रवार को पक्ष और विपक्ष के बीच चमकर तूतू मैं देखने को मिली। इसके चलते 3 बार सदन की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ के बयानों पर चमकर हंगामा हुआ। सराफ ने कोरोना की लड़ाई के दौरान पूरी व्यवस्था का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सराफ और शांति धारीवाल में जमकर नोकझोंक हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास भी बहस के बीच में कूद पड़े और कहा कि कोरोना के दौर में बीजेपी वाले घरों में बैठे रहे और लोगों के बीच नहीं निकले। वहीं धारीवाल ने सराफ के बयानों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अगर बयान वापस नहीं लिया गया तो मैं आपके खिलाफ प्रस्ताव लाऊंगा। धारीवाल ने सदन में सराफ को बाहर निकालने का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद विधानसभा सचिव के सुझाव पर आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राजस्थान में 34 दिनों तक चले सियासी संग्राम का भले ही ऊपरी तौर पर अंत हो गया हो, लेकिन अब भी दोनों खेमों यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान की आग लगातार सुलग रही है। इसकी वानगी गुरुवार को भरतपुर में देखने को मिली, जब गहलोत खेमे के विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना अपने निर्वाचन क्षेत्र नदबई पहुंचे तो गुर्जर समुदाय के सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए और अवाना का विरोध करते हुए सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राजस्थान में शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों ने केंद्र सरकार की ओर से जून में लाए गए एक अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अध्यादेश में कृषि उपज मंडियों में कारोबार कर रहे व्यापारियों को मंडी टैक्स देना जरूरी किया गया है। वहीं मंडियों के बाहर से काम करने वाले कारोबारी, मिल संचालक और वेयर हाउसेज को इससे मुक्त रखा गया है। इसी भेदभाव के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां बंद रखी गई। राजधानी जयपुर में मंडी व्यापारियों ने कुकरखेड़ा मंडी में मौजूद होकर प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मंडियां बंद रखकर विरोध जताया गया। देश भर में कल शुक्रवार को गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। खासकर महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वहीं राजस्थान में भी कई बड़े प्रमुख मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं के साथ धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना के चलते पहली बार भक्त मंदिरों में गणपति के दर्शन नहीं कर पाएंगे। देश भर के प्रमुख मंदिरों में पहली बार भक्त विशाल मोदकों की झांकी नहीं देख पाएंगे। वहीं इस उत्सव के मौके पर आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रम भी नहीं होंगे। हालांकि मंदिरों में पुजारियों द्वारा ही सभी रस्मों को सामाजिक दूरी की पालना के साथ निभाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। चूरू पुलिस ने टॉप 10 मोस्ट वांटेड बदमाशों में शुमार 5000 के नामी हिस्ट्री शीटर मुकेश मेहरा को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जब पुलिस आरोपी के ससुराल तबीज देने पहुंची तो ससुराल पक्ष ने लाठी डंडों से पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में थानाधिकारी रामनारायण चोयल के हाथों पर चोट आई है। आपको बता दें कि 10 मार्च को मेहड़ा ने राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विष्णु समेत कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। बात करें जयपुर की, जहां झालोना डोंगरी बस्ती में शराब के नशे में धोत युवकों को नाकाबंदी के दौरान रोकना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। गुस्सा युवकों ने PCR गाड़ी पर मौजूद पुलिस वालों पर पथराव किया, उनकी वर्दी पर हाथ डाला, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
घटना के बाद आला पुलिस अधिकारी अतिरिक्त जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को हिरासत में लिया। और बात करते हैं अब बारिश की। राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में अगले 3 दिन भारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अगस्त को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में भारी से भारी बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट के अनुसार इन जिलों में 115 मिलीमीटर से लेकर 204 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा और जयपुर समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट भी है। और अब रुख करते हैं देश की दूसरी अहम खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पहले से ही बुरे हाल हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि जब तक किसानों और मजदूरों को पैसा उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा, तब तक देश की हालात में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश में पिछले सालों में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। देश में फेसबुक कंट्रोल को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने एक बार फिर एक कार्टून के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कार्टून को शेयर करते हुए लिखा कि ये न्यू इंडिया है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला की ओर से शेयर किए गए कार्टून में एक शख्स सफेद शर्ट और खाकी हाफ पैंट पहनकर फेसबुक के लोगों पर हाथ रखकर कसम खाता है, जिसमें लिखा है कि शपथ लेता हूं कि मैं जुकरबर्ग के सभी नियमों का पालन करूंगा। और सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब सीबीआई ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। सीबीआई की 16 सदस्यों की टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीबीआई ने सुशांत केस में कुक नीरज से पूछताछ की। सीबीआई की टीम नीरज से 13 जून की रात के बारे में पूछताछ कर रही है। मुंबई में सीबीआई की एसआईटी अगले 2-3 दिनों में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, यानी क्राइम सीन को वापस इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और अगले कुछ दिनों में सीबीआई की एसआईटी टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ ऑटोप्सी रिपोर्ट, क्राइम सीन फोटोग्राफ और वीडियो की भी जांच कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है और वह अब भी वेंटिलेटर पर है। आर्मी के रिसर्च और रेफरल अस्पताल ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी हालत वैसी ही है जैसे पहले थी। अस्पताल के मुताबिक फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनका इलाज किया जा रहा है और वेंटिलेटरी सपोर्ट जारी है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।